यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने बिजनेसमैन होने पर, आपको अपने व्यापारी होने पर गर्व होगा, गर्व। साथियों, कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया, वहां मैंने बच्चों से पूछा आप क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा लॉयर, किसी ने कहा साइंटिस्ट, सब ने सब कुछ कहा, महज एक बच्चे ने कहा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। मैं हैरानी में पड़ गया, आखिर व्यापारी को कोई सम्मान क्यों नहीं देता। आज एक क्षण के लिए जानते हैं एक बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन इस देश का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर, और वो ऐसे लोगों को जॉब देता है जिनको ना सरकार देती है ना कॉरपोरेट देता है। क्योंकि सरकार जॉब देते समय आप SC हैं, ST हैं, OBC है, जनरल हैं, आप क्या हैं, सेना में आपका सीना कितना चौड़ा है, आपको ऊंचाई कितनी है, सारी चीजें देखती है। एक कॉरपोरेट आपकी डिग्रियां देखता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखता है। एक बिजनेसमैन कुछ भी ज्यादा नहीं देखता, जिसको जो आता है। किसी को झाड़ू पोछा आता है तो वो काम दे देगा, किसी को पेंट्री का आता है तो वो दे देगा, कोई कैशियर का आता है तो वो दे देगा। देते वक्त ना जात पूछेगा ना पात पूछेगा, कुछ भी नहीं जानेगा, जॉब दे देगा। बाजार में ऊंच हो बाजार में नीच हो, वो हर पल कोशिश करता है मैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे दे दूं। एम्प्लॉय के घर में शादी आ जाए, उसके बच्चे का एजुकेशन आ जाए, उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बिजनेसमैन को पता होता है कि ये उधार मुझे वापस नहीं मिलेगा, उसके बावजूद वो बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के 1-2 लाख दे देता है और भूल जाता है कि मैंने दिया था। ये बिजनेसमैन है। भारत का बिजनेसमैन 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करता है। सुबह 6 बजे ऑर्डर लेने को तैयार रहता है और रात को 12 बजे तक सर्व करने को तैयार रहता है। वो एक ऑफिस की तरह 10 से 5 और 10 से 6 नहीं देखता। उसके आने की कोई घड़ी नहीं है, उसके जाने की कोई घड़ी नहीं है, कोई एम्प्लॉई नहीं आए, वो खुद उसकी जगह पर काम संभालता है। ये है बिजनेसमैन। तो 12-12 घंटे 15-15 घंटे मेहनत करने के बावजूद इस बिजनेसमैन की इज्जत क्यों नहीं है, और स्वयं आप अपनी नजरों में खुद के लिए इज्जत क्यों नहीं पैदा करते। बिजनेसमैन सर्दी गर्मी धूप छांव कैसे भी मौसम में काम करता है। वो बीमार हो जाए ना तो भी जरा सा ठीक लगते ही अपनी दुकान ऑफिस स्टोर पहुंच जाता है, अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रखता, अपने घर के मेजर कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाता। ये बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स के देश भारत की रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ हर क्षण गलत क्यों होता है। किसी भी ऑफिस में एक छोटा सा क्लर्क उसकी फाइल रोक देता है, उसको हर टेबल टू टेबल चीजें गर्म करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उसका कुछ सेंक्शन होता है। वो वकील के पास जाता है, वो वकील साहब बोलता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर साहब बोलता है, कोई IAS IPS दरवाजे पे आ जाए तो भगवान की तरह उसको ट्रीट करता है। लेकिन उस बिजनेसमैन को कोई बिजनेसमैन साहब, व्यापारी साहब कभी नहीं बोलता। और ये हमारा बिजनेसमैन ये भली भांति जानता है, ये कितना भी कड़क पेपर वर्क रख ले, उसके बावजूद भी कोई IT वाला, कोई GST वाला इसके दरवाजे पर आएगा और इसको उसको नजराना देना पड़ेगा। कितनी मेहनतें कर ले, उस मोहल्ले या आसपास का भाई इसके पास आएगा, इसको उसकी मदद करनी पड़ेगी, इसको सारे भगवानों को चंदा देना पड़ेगा, इसको राजनीतिक दलों को चंदा देना पड़ेगा, इसको समाज को चंदा देना पड़ेगा। दुनिया में हर किसी को यदि कोई देता है तो वो बिजनेसमैन देता है। बिजनेसमैन, गर्व कीजिए आज अपने आप पे, अपना सीना ठोक के कहिए, गर्व से कहिए मैं बिजनेसमैन हूं। एक छोटे से जॉब में भी लोग अपने आगे कैसे कैसे शब्द लगाते हैं, DGM AGM GM VP, बिजनेसमैन कोई शब्द नहीं लगाता, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी ही रह जाता है आजीवन। और ये सोचिए एक बैंक में भी बिजनेसमैन OD और CC लेने जाता है तो उसके अगेंस्ट में उसको पहले गारंटी देनी पड़ती है। लोन लेने जाता है उसको कोलेटरल देने पड़ता है, उसको तो ये भी नहीं पता ये कॉरपोरेट हजारों करोड़ ले कैसे लेते हैं। उसके बावजूद ये बिजनेसमैन रात दिन लगा रहता है इन्हीं बिजनेसमैन के लिए, इनको बड़ा करने के लिए, क्योंकि इनको बड़ा करेंगे ना तो देश बड़ा होगा। इनको बड़ा करने के लिए हमने बिजनेस गुरुकुल और बिजनेस ऑडिट जैसे प्रोग्राम चलाए हैं ताकि ये स्केल अप कर सकें। भारत तब बड़ा होगा जब इसके SME और MSME बड़े होंगे, और ये तब बड़े होंगे जब इनको खुद पे गर्व होगा और ये स्टैंड लेंगे, हम व्यापारी हैं,
हम इस देश को चलाते हैं, हमारे टैक्स से ये देश चलता है, हम रोजगारों का सृजन करते हैं, हम हर किसी की मदद करते हैं, हम छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह हर जगह व्यापार करते हैं, हम एक मेट्रो से लेकर लद्दाख तक व्यापार करते हैं और लोगों को सुविधाएं देते हैं, हम बिजनेसमैन हैं। आज से अपने बिजनेसमैन होने पर गर्व कीजिए, गर्व कीजिए, और हर बिजनेसमैन तक ये वीडियो भेजना, क्योंकि आपके आगे भी साहब लगना चाहिए। आप किसी से हल्के नहीं हैं। सिर्फ महज कोई प्रोफेशनल होके डॉक्टर हो गया या वकील हो गया या जज हो गया या IAS हो गया या IPS हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा सम्मान पाने का पात्र है, क्योंकि इन सारों की सैलरीज आपकी जेब से निकल रही है। तो असल में देश के टॉप रैंक में यदि कोई सम्मान पाने का पात्र है, मैं ये नहीं कहता बाकियों से पहले, लेकिन आप किसी से भी दूसरे नहीं है, यू आर सेकेंड टू नन। और आपको ये बताते हुए गर्व होना चाहिए कि आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई बिल्ड इंडिया एवरी डे। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को हर बिजनेसमैन भाई को फॉरवर्ड करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी एसोसिएशन में, अपने सर्कल में इस वीडियो को चलाना, क्योंकि आज के बाद जब कोई सामने आए तो डरना नहीं, दबना नहीं, झुकना नहीं, हीन भावना मत मानना। यदि आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो तो तुरंत